इस मेकअप के आप लोग ग्लोइंग देख सकते हैं, शाइन चेक कर सकते हैं कि ये मेकअप किस तरह का है। आप लोग इसे घर में कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत इजी मेथड में सिखा दिया। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे, अपने चिल कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे मेकअप्स भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक लेके आया हूँ, आप लोग इसे पार्टी मेकअप भी कह सकते हैं और ब्राइड पे भी ये मेकअप आप लोग ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेकअप है, आप लोगों ने देख लिया होगा इंट्रो में। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनहेंस ब्यूटी का आइवरी आई बेस। आप लोग इसका नेचुरल कलर भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आइवरी यूज़ कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी की बात करें तो थोड़ी सी थिक है बट हाई कवरेज है। इसके ऊपर किसी भी पाउडर की ज़रूरत नहीं होती सेट करने के लिए, डायरेक्टली आप लोग अप्लाई करके आगे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं आई शेडो से। तो मैं इसी तरह ही करूँगा, अप्लाई जस्ट मैंने की और उसके बाद डायरेक्टली आई शेडो अप्लाई कर दिया जो कि मुझे नीड थी जिस आई शेडो की। इस तरह से आपने भी एक ब्रश एंगल रख लेना है या फिर आप लोगों ने फ्लैट ब्रश रख लेना है, उससे आप लोगों ने आई बेस की एप्लीकेशन करनी है। अब बारी आती है इसे ब्लेंड करने की, तो ब्लेंड करने के लिए मैं लाइट सा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ले रहा हूँ क्योंकि इसके कवरेज जो है काफ़ी हाई है, तो फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी भी ठीक है। तो जब तक आप लोग इसे वेट नहीं करोगे ब्यूटी ब्लेंडर को, तो ये अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होगी। ब्यूटी ब्लेंडर को लाइट सा वेट करना है और इसे टैप टैप करके थोड़े से प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है। आई मीन टू से कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं प्रेशर किस चीज़ को बोल रहा हूँ, कि ज़्यादा आप लोगों ने रगड़ना नहीं है, हल्का सा टैपिंग मोशन में आप लोगों ने ब्लेंड करना है। अब मैं पर्पल कलर का शेड ले रहा हूँ, एक ट्रांजिशन शेड है, उसे अप्लाई कर रहा हूँ। और अप्लाई करने के लिए जो मैंने ब्रश लिया है वो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया और ये फ्लफी है। आप लोग चाहे तो फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, उसे अप्लाई करके फिर किसी फ्लफी ब्रश के साथ ब्लेंड कर ले। आपके पास ब्लेंडिंग के लिए ज़्यादा नहीं तो दो ब्रश होने चाहिए। अब मैं ले रहा हूँ इनहेंस ब्यूटी की स्पार्कलिंग डस्ट, इसका जो शेड है वो पर्ल शेड है और इसको मैं ग्लू की हेल्प से अप्लाई करूँगा। ग्लू पहले मैंने आई शेडो पे अप्लाई कर ली थी, सॉरी आईज़ पे, और फिर मैंने इसके ऊपर पर्ल शेड अप्लाई कर दिया। और अब मैं दोबारा दूसरी आंख पे भी इसी को ही अप्लाई करूं। अगर आप लोग प्रो हो मेकअप में तो फिर आप लोग क्रीज को कट ना भी करें तो डायरेक्टली क्रीज की जगह आप लोग ग्लू अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से क्रीज को कट किया जाता है उधर उन्हीं जगह पे आप ग्लू अप्लाई कर लें, उधर ही स्टिक हो जाएगा ग्लिटर और ऐसे लगेगा कि जैसे आप लोगों ने क्रीज कट किया। अगर आप लोग प्रो नहीं हो, बिगनर्स हैं, तो फिर आप लोग को पहले क्रीज कट करनी चाहिए। ये ग्लिटर अप्लाई कर लिया था, उसके बाद इस ब्लेंडिंग को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि लाइट हो गई थी ब्लेंडिंग काफ़ी, तो अभी इसने और भी थोड़ा सा सेटल होना है। मेकअप टाइम गुजरने के साथ साथ थोड़ा लाइट हो जाता है। अब मैं इन्हीं इनहेंस ब्यूटी का ही यूज़ करूँ कॉपर शेड में, इसको भी ग्लू की हेल्प से अप्लाई करूँ। ग्लू पहले मैंने लगा दी थी थोड़ी सी, ग्लू जो है मैंने एंगल शेप में लगाई थी, जहाँ पे पर्ल शेड ख़त्म हुआ था उधर ही ग्लू लगा के मैंने कॉपर शेड को भी उधर ही स्टिक कर दिया। इस तरह से जब आप टू शेड्स के साथ काम करते हैं तो बहुत 3D लुक आती है। और इनके जो स्पार्कलिंग डस्ट हैं वो हैं ही ऐसे कि आप एक भी अप्लाई कर ले उसमें पाँच पाँच शेड्स आने लग जाते हैं और बहुत हसीन लगते हैं। अब लाइनर यूज़ कर रहा हूँ म्यूज़िक फ्लोर का, आपने बहुत सी वीडियोस में देखा है, तकरीबन हर वीडियो में मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो बी क्यूट का भी मैंने यूज़ किया बट मुझे बहुत पसंद आया है इसका म्यूज़िक फ्लोर का। बी क्यूट का भी अच्छा है क्योंकि बी क्यूट जो है ना वो फेमस है, आप लोग किसी भी लोकल कॉस्मेटिक शॉप से भी बी क्यूट का ले सकते हो। म्यूज़िक फ्लोर का आजकल जो है वो शॉप्स पे भी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी आपको नहीं मिल सकता, तो बी क्यूट जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। अब मैं एसेंस का बोल्ड वाला मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ, बोल्ड वॉल्यूम मस्कारा, ये बहुत अच्छे से लैशेस को कर्ल कर देता है। लैशेस मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोफेशनल 3D लैशेस हैं, ये मैंने द्रास से ऑर्डर की थी, आपको भी मिल जाएंगी, Any3 वाली जो डील है उसमें आपको ये लैशेस मिल जाती हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इनका आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, ब्राइडल के लिए बहुत बेस्ट हैं और मॉडल या पार्टी मेकअप में भी आजकल यही लैशेस यूज़ होती हैं। ऐसी ही लैशेस के लिए मैंने यूज़ की है ग्लू क्रिस्टीन की, आप लोग ST के भी ले सकते हो और भी अदर कोई भी आपको अच्छी लगे आप ले सकते हो। काशिस की भी बहुत अच्छी है बट क्रिस्टीन अफोर्डेबल है तो आप इसी को ही यूज़ करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अब लाइनर को दोबारा मैं रीटच कर रहा हूँ, नीट कर रहा हूँ। आई लैशेस को आपने बहुत आराम से रखना है, क्रिस्टीन की ब्लैक वाली ग्लू अगर आप लेंगे तो उसको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, अगर वो आगे पीछे लगी तो आपका मेकअप जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। अगर वाइट वाली लेते हैं तो तब भी आप लोग ध्यान रखना है, लैशेस जो है बहुत अच्छे से अप्लाई होने चाहिए। लाइनर का जो स्टॉक है मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला था, उसको मैं ब्लेंड करूंगा क्योंकि मैंने ब्लैक कलर जो होते हैं ना ब्लेंड करने के लिए ब्रश मैंने अलग से रखा होता है, डार्क ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, इनके लिए मैंने अलग से ब्रश रखे हुए, मैं उनसे ब्लेंड करता हूँ। आप चाहे तो
अलग रख सकते हैं ब्रश, क्योंकि ब्लैक के लिए अलग ही ब्रश होना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं यूज़ करूँ अपटोन एले का सीरम, इसको मैंने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया था स्किन हाइड्रेशन के लिए। और अब जो है मैं यूज़ करूँ प्राइमर, हुदा ब्यूटी का हाइड्रेटिंग प्राइमर, स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देता है। सबसे मजे की बात यह है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैक का पैनकेक, फुल बेस मैंने इसी से बनाई है, कोई बेस फटती नहीं है, कोई क्रैक नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लॉन्ग लास्टिंग बेस रहती है। ऐसी स्किन आपके पास आ जाए, पोर्स वाली स्कार्स वाली स्किन आ जाए, तो आपने केक बेस या स्टिक यूज़ करनी होगी, तब जाके आपकी बेस जो है वो अच्छी बनेगी, क्योंकि स्कार्स जो होते हैं ना वो स्टिक से या पैनकेक बेस से ही फिल होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लिक्विड फाउंडेशन अगर आप करेंगे तो अगर स्टिक ऊपर अप्लाई करके आप लोग उसके ऊपर फिर लिक्विड अप्लाई कर सकते हो, वो भी एक अच्छी कवरेज दे देता है, बट स्टिक जो है वो लाजमी होती है ऐसी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी। तो मैंने स्टिक कोई अप्लाई नहीं की, जस्ट पैन केक को ही यूज़ किया। पहले FS45 यूज़ किया इनकी पूरी स्किन पे, तो उससे कंसील कर दिया क्योंकि फेयर थी इनकी स्किन, तो इसके ऊपर मैंने F1 दिया तो वो जो है बैलेंस होगी थी स्किन के साथ। पाउडर के लिए मैंने आम वाली पाउडर यूज़ किया, जो कि आप लोग देख रहे होते हैं मेरी हर्ड वीडियो में, मिस रोज़ का पाउडर फाउंडेशन स्किन शेड में, वही पाउडर से मैंने सेट किया और बेस जो है बहुत अच्छे तरीके से बन गई थी। अब कॉन्टोरिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ग्लोइंग फेस का कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने अच्छे तरीके से कॉन्टोर कर लिया इनके फेस को। फेस इनका काफ़ी चबी था, तो अगर आपके पास ऐसा फेस आ जाए तो आपने किस तरह से कॉन्टोरिंग करनी है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इस तरह से आप लोगों ने कॉन्टोरिंग करनी है, तो फेस जो है फिर अपने फेस को आप लोग स्लिम दिखा सकते हैं। अगर आप लोग अपने फेस में मेकअप कर रहे हो तो आपने उस लिहाज से मेकअप करना है जिस तरीके के आपके फीचर्स हैं, जिस लिहाज से आपके फीचर्स हैं। तो सो नोज को भी मैं कंटूरिंग कर लूंगा, उसके लिए मैं एंगल ब्रश यूज़ करूँ फ्लफी वाला, उसको दो लाइनें खींची, उनको ब्लेंड कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से कंटूर हो गया। इनकी नाक जो थी थोड़ी सी मोटी थी, आपकी भी अगर ऐसी नाक हो तो आप लोग इस तरह से कंटूर कर सकते हो। अब ब्लश मैं यूज़ कर रहा हूँ काइली की पैलेट में से, ब्लश का जो कलर था बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था, पिंक सा कलर था, और रोज़ पिंक आप इसे कह सकते हैं। मैंने बहुत लाइट सा अप्लाई किया, डार्क ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अगर डार्क हो भी तो पीच हो तो वो अच्छा लगता है। तो उसके बाद इन हैंड्स ब्यूटी का शाइनर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो क्योंकि बाद में मुझे हाइलाइटर अप्लाई करना है तो पहले मैं शाइनर ही अप्लाई करूँगा। लोग शाइनर बाद में भी अप्लाई करते हैं, बट मैं पहले कर लेता हूँ, इसकी कवरेज जो है बहुत अच्छी रहती है, और हाइलाइटर मैं उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, बहुत मतलब अंदर से निकल के शाइन आती है, ऐसे अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। मिस रोज़ का मैंने पिंक वाला ब्लश शाइनर अप्लाई किया, और उसके बाद आईब्रोज को फिल कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रिवाज यूके की आईब्रो पैलेट, ये 02 शेड में, आप इसका 01 भी बाय कर सकते हो, या आप लोग नेट पे जब सर्च करें तो देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप लोग बाय कर सकते हो। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन ही बाय करता हूँ, आजकल घर बैठे मिल जाती हैं, तो बाहर जाते हुए जाने का भी इतना वो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो घर में अगर आप मंगवा लें तो थोड़े दिन आप सब्र कर लें और आ जाती है घर तक चीज़। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इनहैंस ब्यूटी की इंटरफेरेंस शेड, ये वाइट कलर में है, सॉरी सिल्वर कलर में है, इसको मैं अप्लाई करूँगा। ब्रश को बिल्कुल भी वेट नहीं किया, आप वेट ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी शाइन बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप ऐसे भी अप्लाई करो तो ये इनफ है। तो अब लोअर लैश लाइन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इसी तरह ऊपर जो शेड अप्लाई किए थे वही मैंने नीचे भी अप्लाई कर दिए। थोड़ा सा ब्लैक अप्लाई करके मैं एक ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगा, स्ट्रोक मैंने थोड़ा सा ब्लैक का निकाला, और जिससे ब्लैक को मैं ब्लेंड करता हूँ, ब्लैक शेड को जो ब्रश मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वही ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंडिंग के लिए। आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी टाइम भी लग जाता है। एंड आईज के अंदर जो है वाटर लाइन पे मैंने वाइट जेल लाइनर यूज़ किया था, आप लोग ब्लैक भी कर सकते हो या अदर कोई भी आपको अच्छा लगे, न्यूड भी आप लोग कर सकते हो। अब मस्कारा मैं अगेन एसेंस का ही मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ। लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने मेकअप फिक्सर किया, मी ऑन का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको इजीली 400-500 की रेंज में मिल जाता है। फिक्सर करने के बाद हाइलाइटर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का, इसके आप शेड देख रहे हैं, इसमें से मैं चैम्पियन शेड वाला यूज़ कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा कॉपर भी और थोड़ा गोल्ड में भी, इन दोनों को मिक्स करो तो चैम्पियन शेड बन जाता है, और काफ़ी अच्छा शेड लगता है, नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा फेक शेड नहीं लगता। हाइलाइटर बहुत ज़्यादा उबार के आप लोग लगा देते हो, फेक लुक आ रही होती है। अच्छा, फिक्सर को मैंने 80% ड्राई किया और फिर 20% वेट था, तो मैंने ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर दिया। अब जो लिपस्टिक है मैं न्यूड शेड में अप्लाई करूँ, पहले आउटलाइनिंग कर लूँगा एक लिपस्टिक की हेल्प से, अंदर जो है मैं फिल करूँगा लिप ग्लोस मैट वाला, आप चाहे तो ग्लोसी लिप भी रख सकते हैं इसके साथ, बट मैंने यहाँ पर मैट किया क्योंकि इनका ऑलरेडी मेकअप जो है बहुत ग्लोसी था, क्योंकि हाइलाइटर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर दिया था, बट इनकी स्किन जो है वो पोर्स वाली थी, मुझे हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना चाहिए था, ये इनकी खुद की भी डिमांड थी हाइलाइटर ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने भी इन्हें हाइलाइटर रज रज के अप्लाई किया, और ब्लश शाइनर भी मैंने अप्लाई किया था, ये इनकी फाइनल लुक है।
आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देने कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो और आप लोग कोई लुक ये कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।